बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, समाजी अक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम उन हीरो की बात करेंगे जिनकी वजह से लाहौर शहर में इंटर होते ही जो लोग हैं, जो सयाह हैं, लंदन से आए हुए हूँ, कहीं से भी आए हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो वो कहते हैं लाहौर लाहौर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे उन हीरोज़ के बारे में जिनकी वजह से लाहौर शहर की जो खूबसूरती है वो बनी रहती हैं। बाबा आशिक और उनके एक साथी जो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे किस वक्त वो उठते हैं, क्या काम करते हैं, और पीने की उनकी रूटीन है वो कैसी है, और गर्मी के अंदर काम करना उनको कैसे लगता है, दरख्तों के ऊपर से कीड़े गिरते हैं या उनके जो पानी के कतरे गिरते हैं तो उस वक्त उनका क्या सूरत हाल होता है, ये सारा कुछ पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आए हम सबसे पहले जो है बाबा आशिक से मिल। बाबा जी, एक तो थानू साढ़े समाजी अक्स चैनल की तरफ दो हथना सल्यूट है कि तुम एक सुबह सुबह आते जे काम करते जे, ये जी खूबसूरती का मंजर देखा जाता है लाहौर के, ये थोड़ा तो थोड़े साथियों का सारा काम है, तो सानू दसो कि सुबह किस टाइम तुम उठ के आते हो, किस टाइम काम करते हो, तो बाकी साथी की करते हैं? ऐसे जी सुबह मतलब 6-7 बजे ना मतलब घर उठ पे, मतलब उठ के मतलब आ गए अपना नाश्ता वगैरह करके कमां दे आ जाने, काम दे मतलब आ गए प्लाटा की सफाई वगैरह, कोई पौधा डिगया होवे जां पौधा कोई खराब होवे जां गोडी चौकी होने वाली होवे जां पानी लाने वाला होवे, जो भी काम है यानी कि असीं उन्हां प्लाटा में जा के करना हुंदा। ते कितने अरसे तू काम कर रहे थे? मैं तकरीबन 30 साल तो काम कर रहा। इंदे नाल जिहड़ी तनखाह तुहानूं मिलदी है इहने नाल गुजारा हो जांदा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मतलब गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे 8 बच्चे ने। ते किसी की शादी भी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई अल्लाह। अच्छा, शादी हाले किसी दिन नहीं हुई? ते इत लाहौर च किवें रह रहे जे, किराए ते रह रहे या अपना कोई मकान है? नहीं, लाहौर च तकरीबन मेरे ना अपना मकान है, 2 मरले जगह है, 6 मरले, 3 भाई हैं, 6 मरले जगह है, तो यानी कि 2-2 मरले सानू मरले आ रहे, मतलब उतना मचा रहा है। तो शुरू तो लाहौर दे रहना दे जे? नहीं, पहले असं रहने मतलब मांगा मंडी के कोल है पिंड, दीनानाथ दीनानाथ कोल लखन के पिंड, उत्थे रहने। अच्छा अच्छा, तो उस तो बाद तुसीं इत्थे शिफ्ट हो गए? हाँ जी, फिर इत्थे नौकरी करते, फिर आस्ता फिर इत्थे मतलब आ गए, बच्चे बुच्चे इत्थे लै आंदे ने। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। जी हाँ, इस वक्त जो बाबा आशिक के साथ लड़का मौजूद होता है वो भी हमारे साथ मौजूद है, काशिफ नाम है इसका। काशिफ, सबसे पहले तो समाजी अक्स की जानब से आपको और बाबा आशिक को सल्यूट है दोनों हाथों से। आप लोगों की वजह से लाहौर शहर के अंदर खूबसूरती बनी रहती है। जब ऊपर से कीड़े गिरते हैं, कुछ और जानवर गिरते हैं, छोटे छोटे से नाज़रीन, आप लोग कभी दरख्तों के नीचे बैठेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि वो कौन सी, अगर जो गांव से लोग हैं या गांव से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि वो क्या चीज़ होती है या क्या चीज़ें कितनी कितनी गिरती रहती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ऊपर से जानवर छोटे छोटे गिरते हैं तो एलर्जी भी हो जाती है अक्सर, तो वो किस वक्त, उस वक्त आपका क्या सूरत हाल होती है, क्या रद्द अमल होता है? उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि अपने कपड़े उतार के ना फेंक दें, बस जल्दी जल्दी नहीं है, ऊपर कोई मेडिसिन ले लें या कोई दवाई लगा लें। तो मेडिसिन उस वक्त तो आप ड्यूटी पे होते हैं तो फिर आपको गुजारा करना पड़ता है? फिर हमें गुजारा करना पड़ता है, हमें यानी कि ख़ारिश नहीं करनी पड़ी, अगर ख़ारिश ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में एलर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि एलर्जी हमारे जिस्म के और ज़्यादा ना फैले। जितनी ख़ारिश करेंगे उतनी एलर्जी ज़्यादा होती है इसके साथ। अच्छा, जितनी ख़ारिश करेंगे उतनी ज़्यादा एलर्जी होगी? हाँ, उतनी एलर्जी ज़्यादा होगी, हमारे जिसम पे तरफड़ वगैरह निकल जाएंगे और जिसम सारा रेड कलर का हो जाएगा। तो आपका गुजारा हो जाता है इन पैसों के अंदर? कोशिश, अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोग हैं जिसका गुजारा हो जाता है, कुछ लोग हैं जिसका गुजारा नहीं होता, जो किराए पर रहते हैं उसका गुजारा नहीं होता, जिसको अपना घर है वो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, रहमत है मालिक की हम पे, तो हमारा गुजारा हो रहा है। ये वो हीरो हैं जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान या पूरे लाहौर के अंदर जो खूबसूरती के मंजर आप देखते हैं ये इन्हीं लोगों की वजह से है। बाबा आशिक को यहाँ पे काम करते हुए 30 साल गुजर गए हैं और वो अपनी तनख्वाह के ऊपर खुश हैं, और अगर ऐसा ही सिलसिला हमारे दूसरे लोगों के साथ भी रहा तो इंशाल्लाह जो ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे।
और हमारे साथ एक मंजर जो खूबसूरती का आप ये देख रहे हैं, बाबा आशिक और इनके सारे सारे साथी हैं, उनकी वजह से लाहौर शहर जो है वो खूबसूरती का मंजर पेश करता है। बाहर से लोग जब आते हैं तो वो सिर्फ लाहौर की ही बात करते हैं, वो एंड पे जाते हुए ये कहते हैं कि जी लाहौर लाहौर ही है। चाहे वो कराची से फिर के आएँ, चाहे वो लंदन गए हों, या कहाँ भी हों, वो लाहौर के बारे में यही कहते हैं, लाहौर लाहौर ही है। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम सरानी को दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ फिर आप देंगे। अगर आपके पास कोई अच्छी सी स्टोरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान गुलाम सरानी को दें इजाज़त, अल्लाह ने।